भारतीय जनता पार्टी व कपिल पाटिल फाउंडेशन की ओर से ऑनलाइन बाल गोपाल फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का बख्शिश का समारंभ संपन्न। पिछले दिनों भिवंडी में हुए कपिल पाटिल फाउंडेशन द्वारा दही हंडी कार्यक्रम में ऑनलाइन बाल गोपाल फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जनता से आह्वान किया था। इसमें भिवंडी तालुका व थाना जिला के 450 रील प्राप्त हुए। उसमें तरह तरह के कैटेगरी में चुनकर उनको प्रशस्त पत्र व सम्मान चिन्ह मान्यवरों के हाथों से देकर सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम कपिल पाटिल फाउंडेशन अध्यक्ष सुमित पाटिल के जन्मदिन के अवसर पर पद्मनगर स्थित वेदांत बैंक्वेट हॉल में सोमवार के दिन 9 सितंबर को रखा गया, जिसमें भिवंडी तालुका थाने जिला के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इसके साथ ही सुमित पाटिल को जन्मदिन की शुभेच्छाएं देने के लिए भिवंडी शहर व अन्य गाँव के कई लोग, राजकीय पार्टी के कई बड़े नेतागण और कई समाज के पदाधिकारी व वार्ड के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। चलिए देखते इस कार्यक्रम की कुछ झलक। दही हंडी उत्सव के दिन में जो ऑनलाइन राधा रानी कॉम्पिटिशन, श्री कृष्ण बाल गोपाल कॉम्पिटिशन और रिल कॉम्पिटिशन के पुरस्कार वितरण में तुम्हारे हमारे सबके नागरिक जिलाध्यक्ष हमारे मार्गदर्शक माननीय हर्षल पटेल सर, महासचिव माननीय विशाल जी फलवने, ममता जी फलवनी, माननीय सचिव शिवा यादव, एडवोकेट वैभव जी भीर और संस्कार प्रतिष्ठान के हमारे अध्यक्ष एडवोकेट हमारे चिंतन सर, माननीय हमारी प्रिंसिपल ताई, हमारे सामने बैठे हमारी अम्मा का और सम्माननीय और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, कपिल पाटिल फाउंडेशन के आईटी सेल के सभी सदस्य, आज एक अच्छा प्रोग्राम है। हर्षन जी, मुझे लगता नहीं था कि ये प्रोग्राम ऑनलाइन कंपटीशन भी होता। हमने सुना था, लेकिन आज आप लोगों ने करके दिखा। इसके लिए पराग मेहता और उसके पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये कंपटीशन किया। और ऑनलाइन कंपटीशन क्या होता है वो भी हमको आपने दिखाया और सिखाया। तो आज ये एक अच्छा पारिवारिक माहौल यहाँ पे आप लोगों ने बनाया। पहले तो मैं सभी फैमिली की माफी मांगता हूँ कि हम लोग दूसरे प्रोग्राम में व्यस्त थे, इसके लिए यहाँ पे आने के लिए लेट हुआ। लेकिन एक अच्छा प्रोग्राम बहुत दिन से क्या है, हर्षल भी चल रहा था कि माननीय केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल साहब के इंस्टाग्राम पे, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ गए कि ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन आप कब रख रहे हैं। तो आज ये मेरे जन्मदिन का दिन देख के पराग जी आपने प्रोग्राम किया, इसके लिए मैं प्रथम तो आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और ये प्रोग्राम आज सक्सेस हुआ ऐसे मुझे लग रहा है कि हमने सोचा था ये हॉल छोटा इसके लिए किया कि ये लोग जो है ग्रामीण से और सिटी से अलग अलग एरिया से आएंगे और गणपति उत्सव है, तो गणपति उत्सव हर एक के घर में आजू बाजू में रहता है। इसके लिए हम लोगों को लगा कि लोग आएंगे नहीं आएंगे, इसके लिए आज ये छोटा वेदांत हॉल हमने बुक किया था। लेकिन मुझे लगता है ये हॉल छोटा भी हुआ क्योंकि बहुत सारे फैमिलीज यहाँ पे आए। और मैं सभी फैमिली का धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पे आए। पुरस्कार मिलते हैं नहीं मिलते हैं वो विषय नहीं है, लेकिन आपने हम सभी का माननीयों का मान रख के आज यहाँ पे आप 4 बजे से हो और यहाँ पे आए हो, इसके लिए मैं माननीय हमारे मार्गदर्शक कपिल पटेल साहब, हमारे जिलाध्यक्ष हर्षल पटेल साहब, सभी के तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। जिनको गिफ्ट मिला, जिनको प्राइज मिला उनको भी धन्यवाद, उनको नहीं मिला उनको अगले साल के लिए मैं शुभेच्छा देता हूँ। और आज मेरे जन्मदिन के दिन आप लोग यहाँ पे आए और पराग जी आपने अच्छा प्रोग्राम रखा है, इसके लिए मैं आईटी से धन्यवाद देता हूँ और यहाँ पे रुकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम मध्य उपस्थित
माझे जान भाऊ सुनीचे पाटील त्याचप्रमाणे भारतीय जनता पार्टीचे सर्व पदाधिकारी आणि मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेले सगळे पालक आणि पालकी. सबसे पहिले तो मी सुनीचे पाटील उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ. सभी को ताली बजाकर विनती करता हूँ कि उनको ये जो इन कॉम्पिटिशन है या जो भी पार्टिसिपेट किया हमारे बच्चों ने उसका सबसे पहले श्रेय जाता है तो सभी पेरेंट्स को जाता है क्योंकि आप आपके बच्चों को इंस्पिरेशन करते हो, इंस्पायर करते हो और पार्टिसिपेट करने के लिए आपसे यानी जो इंस्पिरेशन मिलता है वो सबसे महत्वपूर्ण है. दूसरा मैं मनोज जी को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे जो कार्यक्रम वो अरेंज करते हैं इसके वजह से हमारे जो बाल मित्र हैं उनको भी कॉन्फिडेंस लेवल इनका बढ़ता है. पार्टिसिपेशन करना यानी इतना इजी नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल उसके लिए बढ़ता है. और एक आईटी से जो है उन्होंने जो पूरा इसका एडवर्टाइजमेंट किया जिसके वजह से आज इतने पेरेंट्स यहाँ पे आए यानी पहले तो पार्टिसिपेट किया अपने बच्चों के माध्यम से और फिर इतने अच्छा भारी संख्या में आए तो सभी पेरेंट्स के और भी जोरदार तालियां हो जानी चाहिए. दूसरी क्वालिटियन शहर है आपने देखा रहेगा कि भारत की सभी राज्य से यहाँ पे लोग आते रहते जो भी आज प्राइजेस यहाँ पे दिए जो भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो आपने देखा रहेगा कि सभी स्तर के लोग सभी समाज के लोग सभी स्तर के लोग इसमें पार्टिसिपेट किए. ये बहुत अच्छी बात है हमारे शहर के लिए भी अच्छी बात है. कॉम्पिटिशन उन्होंने किया था ये आज अरेंज किया था ये कपिल पाटिल फाउंडेशन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से लेकिन इसके आगे भी आपने देखा रहेगा कई कार्यक्रम कपिल पाटिल फाउंडेशन के माध्यम से होते हैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से होते हैं. इसके आगे भी ये जो हमने शुरुआत की अच्छी फर्स्ट टाइम ये दही हंडी में ऐसा कार्यक्रम अरेंज किया लेकिन इसके आगे भी हर साल ऐसा कार्यक्रम हमारे माध्यम से होगा आने वाले काल में और ऐसे अनेक कार्यक्रम कपिल पाटिल फाउंडेशन हो या हमारे सबके लाडले माननीय केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल साहब इनके मार्गदर्शन में ऐसे कार्यक्रम होंगे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कार्यक्रम होंगे. इसके लिए मैं फिर से एक बार सभी का सभी आयोजकों का भी यहाँ पे अभिनंदन करता हूँ धन्यवाद देता हूँ और सभी पेरेंट्स का खासतौर और बच्चों को ये यहाँ पे उनको अभिनंदन भी करता हूँ. और नेक्स्ट ईयर आज जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया नेक्स्ट ईयर आपके जो भी पेरेंट्स हो या सभी जो आपके एरिया के लोग हो सभी को आप भी बोलो कि अच्छा यहाँ पे कार्यक्रम होता है पार्टिसिपेशन इम्पोर्टेंट है आज ही पार्टिसिपेट करो ऐसा सभी को विनंती करता हूँ. फिर से एक बार सुमी जी को जन्मदिन बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ. उनके लिए कहता हूँ कि आगे उनका भविष्य उज्ज्वल रहे उनको जो भी हासिल करना है जो भी उनकी महत्वाकांक्षा जो भी है वो सभी अच्छी हो ऐसे में उनको बधाई देता हूँ.